वेलकम बैक टू अवर चैनल। चलिए आते हैं एक नए टॉपिक के साथ, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। क्या होता है पार्टनरशिप और क्या होता है कंपनी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता करते हैं। बेसिस, किस बेसिस पर हम डिफरेंस करते हैं, और इधर हम पार्टनरशिप और इधर कंपनी। कंपनी को हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं बेसिस। बेसिस मतलब मोड ऑफ ऑपरेशन, रेगुलेटरी एक्ट, नंबर ऑफ मेंबर्स, लायबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ऑडिट, मैनेजमेंट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, बिजनेस वाइंडिंग अप, स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये हम 11 पॉइंट है, जिन 11 पॉइंट के बिहाफ पे हम पता करते हैं कि पार्टनरशिप और कंपनी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। पहला टॉपिक मोड ऑफ ऑपरेशन, मतलब इसका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है। पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन नॉट मैंडेटरी, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, आप ओरल भी कर सकते हैं, बट भविष्य में कोई समस्या ना है इसलिए हम क्या करते हैं उसको एग्रीमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इफ एग्रीमेंट है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कंपनी में, एज पर कंपनी एक्ट 2013 और प्रीवियस एक्ट, यहाँ पे मैंडेटरी है, यानी कंपनी कोई भी पहले कंपनी एक्ट के में उसमें अगर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंपनी का, उसके बाद आप इसका मोड ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं। सेकेंड आता है रेगुलेटरी एक्ट। रेगुलेटरी एक्ट का मतलब होता है कि उसको कौन सा एक्ट के तहत उसको रेगुलेट किया जाएगा। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया आपने और नहीं भी कराते हैं और कोई लफड़ा होता है तो उसका जो डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे वो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत करेंगे। इधर द कंपनी एक्ट 2013, यानी कंपनी में क्या करेंगे, कंपनी एक्ट 2013 जो अभी लेटेस्ट चल रहा है। थर्ड आता है नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कितने मेंबर रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन के लिए। इधर मिनिमम 2, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 15 है एज पर कंपनीज के तरफ। प्राइवेट लिमिटेड, इसमें क्या है कंपनी होते हैं प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड है तो मिनिमम आपको मेंबर 2 चाहिए, मैक्सिमम 200, ठीक है। और अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम मेंबर 7 चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड है। मेंबर्स और डायरेक्टर अलग होते हैं, हम पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है, ओके। और अगर कंपनी ओपीसी है, वन पर्सन कंपनी, तो वहां पे मेंबर 1 चाहिए क्योंकि वन पर्सन कंपनी है। डायरेक्टर इन सबों में मैक्सिमम 15 होता है। फोर्थ पढ़ते हैं लायबिलिटी, यानी किसकी कितनी लायबिलिटी है। पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जॉइंट एंड सेवरल होता है, बट कंपनी में क्या होता है इसमें लिमिटेड बाय शेयर। अगर वो लिमिटेड बाय शेयर है, यानी जितना शेयर उसने हेल्ड किया हुआ है उतने का ही उसकी लायबिलिटी है, या अगर उसने मान के चलो गारंटी दे दिया है तो जितने की गारंटी दिया है उतने का। थर्ड केस होता है इसमें अनलिमिटेड, अगर अनलिमिटेड वाली कंपनी है तो उसकी अनलिमिटेड हो जाएगी। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट होगा उसको किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आपने पार्टनरशिप में डीड के बना रखा है और डीड के अकॉर्डिंग बताया कि किस पार्टनर को कितना देना है तो आप डीड के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर डीड नहीं है तो आप पार्टनरशिप एक्ट के तहत इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कंपनी में क्या होता है उसको डिविडेंड पे करते हैं, ठीक है, जितना उसका शेयर है उसके पास उसके हिसाब से उसको डिविडेंड पे हो जाता है। ऑडिट, ऑडिट मतलब होता है कि बुक्स को ऑडिट, चार्टर अकाउंटेंट के थ्रू जो ऑडिट करवाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ऑडिट पार्टनरशिप में मैंडेटरी नहीं है क्योंकि जब पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन ही मैंडेटरी नहीं है तो ऑडिट क्या है, लेकिन अगर कुछ कंडीशन को वो फॉल करता है तब ऑडिट उसमें हो जाता है, बट कंपनी के केस में मैंडेटरी है क्योंकि ये एज पर कंपनी एक्ट के तहत है, तो वहां पे ऑडिटर मैंडेटरी है, ऑडिट मैंडेटरी है। मैनेजमेंट, अब इसमें मैनेजमेंट कौन कौन होते हैं, बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑल, मतलब या तो सारे पार्टनर मिलकर काम कर सकते हैं या सारे पार्टनर उस पार्टनर को या जिसको भी बोलेंगे कि हाँ आप हमारे बिहाफ पे काम कीजिए तो वो चला सकता है। इधर क्या होता है, इधर डायरेक्टर जो है वो मैनेज कर रहा होता है, या तो शेयर होल्डर ही डायरेक्टर बने या शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट कर दे तो वो डायरेक्टर को ही मैनेजमेंट बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ठीक है, चूंकि पार्टनरशिप में शेयर तो होता नहीं है उसमें प्रॉफिट का हिस्सा होता है, तो पार्टनरशिप डीड में जितना प्रॉफिट है अगर मैं चाहता हूं कि मैं किसी को उसमें से ट्रांसफर कर दूं अपना प्रॉफिट का हिस्सा वो कर सकता हूं, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर के थ्रू। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या आता है, लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी में तो इजीली कर सकते हैं, अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो उसमें एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसफर कर सकते हैं। बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस कर सकती है, कैरी एनी बिजनेस एग्रीड बाय ऑल, यानी पार्टनरशिप किसी भी टाइप का बिजनेस कर सकता है, बाकायदा कुछ रिस्ट्रिक्शन ना हो गवर्नमेंट के थ्रू, और एग्री कर सकते हैं। बट कंपनी के इसमें क्या होता है कि आपको एज पर MOA मेमोरेंडम एसोसिएशन जो आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस टाइम ROC में फाइल करते हैं, तो उसमें जो आप बात लिखते हैं कि मैं इस टाइप का कंपनी काम करूंगा उसी टाइप का काम करते हैं, बाद में आप उसमें अमेंड भी करवा सकते हैं। वाइंडिंग अप मतलब किस तरह से क्लोज करते हैं, एज पर डीड
या कोर्ट के थ्रू या इंसॉल्वेंसी, इनके माध्यम से आप पार्टनरशिप को वाइंडिंग अप कर सकते हैं। बट कंपनी एक्ट में क्या होता है कि एज पर कंपनी एक्ट, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के थ्रू हुआ है तो इसका वाइंडिंग अप भी कंपनी एक्ट के थ्रू ही होगा। लास्ट पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस किस तरह से इसको स्टेबल होगा ये रहेगा। पार्टनरशिप में क्या होता है, अफेक्ट हो जाता है किसके, अगर पार्टनर की डेथ हो गई, अगर पार्टनर रिटायर्ड हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया पार्टनर, तो इसमें बिजनेस अफेक्ट करता है। बट इस केस में क्या है, इसमें नहीं कोई अफेक्ट करता है। अगर किसी शेयर होल्डर का डेथ हो गया कोई दिक्कत नहीं, वो शेयर होल्डर ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर दूसरे के थ्रू चलता रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस है किस बिहाफ पे। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे किस टाइप्स ऑफ कंपनी, किस टाइप की कंपनी है, उनके फीचर्स क्या क्या है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।